हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश सब्जेक्ट फोर क्लास थ्री चैप्टर 13। चैप्टर्स नेम इज द बुक। दिस इज अ poem already इसका हिंदी बताया जा चुका है, पढ़ाया जा चुका है। इसका हिंदी वर्ड मीनिंग भी करवाया जा चुका है। Now English to English word meaning कराया जा रहा है। पहला है मेज। मेज मीन्स भूल भुलैया या जटिल। इसका इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग पजल दैट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व। दूसरा है गोल्डन। इसका वर्ड मीनिंग इंग्लिश टू इंग्लिश वेरी फेवरेबल, मतलब बहुत अपने पक्ष में, रिफ्रेशिंग। रिफ्रेशिंग मीन्स फिर से ताजा हो जाना। इसका इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग है सर्विंग टू रीस्टोर एनर्जी एंड वाइटलिटी। हम काम करते करते थक जाते हैं या पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, तो फिर थोड़ा सा उसको रिफ्रेश करने के लिए हम कुछ लेते हैं जिससे हमारी एनर्जी फिर से आ जाती है, उसे हम रिफ्रेशिंग कहेंगे। फोर पोर्टेबल। पोर्टेबल इसका इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग है इजली मूव अराउंड। जैसे पोर्टेबल टेबल, पोर्टेबल टीवी होता था, आज भी है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सकते हैं, उसको हम पोर्टेबल बोलते हैं। सेवन इसका वर्ड मीनिंग है वर्क विद नेडल एंड थ्रेड, यानी कि धागा और सुई के साथ काम करने को हम सेविंग करते हैं। वेल्थ इसका वर्ड मीनिंग है इंग्लिश टू इंग्लिश एंड अबंडेंस ऑफ वैल्यूएबल पोसेशन, यानी कि किसी भी मूल्यवान वस्तु को अपने बस में रखते हैं, उसे धनवान करते हैं या वेल्थ कहेंगे। सेवेंथ है बैन। स्टॉप्स सम बॉडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी कि कोई चीज को प्रतिबंधित कर देना, उसे हम बैन कहेंगे। अब हम अकॉर्डिंग टू योर बुक अब वर्ड पावर को हम सॉल्व करेंगे। ए वे है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ गिवन वर्ड्स। जैसे यहां पे दिया गया है एस ब्लैंक आर ब्लैंक ए डी। स्प्रेड, स्प्रेड मीन्स फैलाना। दूसरा है फ्यूचर, एफ यू ब्लैंक एफ यू ब्लैंक यू आर ई। इसका वर्ड कंप्लीट वर्ड है फ्यूचर। फ्यूचर मीन्स भविष्य।
तीसरा है पी आर ई ब्लैंक ई आर ब्लैंक ई प्रिजर्व, प्रिजर्व मीन्स संरक्षित, संरक्षित करना उसको। चौथा है नॉलेज के एन ब्लैंक डब्ल्यू एल ब्लैंक डी ब्लैंक ई नॉलेज, नॉलेज मीन्स ज्ञान। अब हम बी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ऑन सेंटेंसेस, यानी कि जो वर्ड दिया गया है उसको अपने शब्दों में उसको उससे वाक्य बनाइए। जैसे पेज, पेज तो पेज मीन्स पृष्ठ, इससे हम बनाए हैं देयर आर 50 पेज इन माय बुक, पेजेस। दूसरा है माइंड, माइंड इज मस्तिष्क दिमाग, इससे बनाए हैं ही हैज स्पेड माइंड, शार्प माइंड, सॉरी ही हैज शार्प माइंड, यानी उसका दिमाग जो है वो बहुत ही तीव्र है। तीसरा है मार्क्स, पद चाल, जैसे मार्च लाइक अ सोल्जर, यानी एक सैनिक के समान चलना। चौथा है प्राइवेट, इससे बनाए हैं माय फादर इज अ प्राइवेट सर्विसमैन। पांचवा है बैल, बैन मीन्स प्रतिबंधित। स्मोकिंग इज बैनड हियर, यहां धूमपान करना निषेध है, प्रतिबंध है। सिक्स है अगेंस्ट, अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध, इससे सेंटेंस बनाए हैं ही इज स्पीकिंग अगेंस्ट मी, वो मेरे विरुद्ध बोलता है। तो इस प्रकार से आप लोगों के बुक के अनुसार से अभी तक ये वर्ड पावर को समाप्त किया गया। ये केवल हम पढ़ा दिए बोर्ड पर और ऐसा ही नहीं होना चाहिए, इसको आप अपने सब्जेक्ट कॉपी में अच्छी तरह से सुंदर राइटिंग बना के लिख लीजिएगा और बुक में भी भर लीजिएगा। जब भी स्कूल खुलता है तो उस कॉपी को चेक किया जाएगा, यदि संभव हो तो आप अपने पेरेंट्स के द्वारा आप स्कूल में भेजकर उसे चेक करा सकते हैं। और बाकी जो क्वेश्चन का आंसर है उसको नेक्स्ट चैप्टर में किया जाएगा। थैंक यू।